हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज पराठा। आप देखिए, जो भी बचा हुआ सामान हो ना, बहुत दिन पुराना नहीं, बट हाँ आपने सुबह बनाया है और बच गया है, शाम को आप उसको डिनर में ले सकते हैं, या रात को बनाया है और बच गया है तो आप उसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। मैंने ये 1 कप आटा लिया है, आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाला है, नमक थोड़ा डाला है क्योंकि सब्जियों में भी नमक है, 1 प्याज को बारीक काट लिया है, 1 मुट्ठी हरा धनिया मैंने बारीक काट लिया है धोने के बाद, 1 टेबलस्पून सूजी है, और ये 1/4 कप के करीब हमारी भुजी बच गई थी, छोटी बाउल, और ये आप देख रहे हैं 1 कप से भी कम ये छिलका मूंग दाल है। इसमें मैं पहले 1 टेबलस्पून सूजी डाल दूंगी, इसको अच्छे से करूंगी मिक्स, थोड़ा सूजी फूल जाए फिर हम 5 मिनट के बाद ना इसका आटा लगाएंगे, तो एक तो जो है पानी कम लगेगा और पहले हम ये सारी चीज़ें ना आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 5 मिनट इसको सूजी रखे हुए हो गया है, 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें डाल सकते हैं। फिर पहले ना आप ये सब चीज़ें मिलाएंगे, देखिए हींग जीरा ये सब सब्जियों में अच्छे से डला हुआ है, हरी मिर्च तो आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, है ना, और आप चाहें तो कोई भी सब्जी इसमें बारीक काट के डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाथ से ऐसे मिला लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। जब ये इस तरह से अच्छे से मिल जाए ना, फिर आप जितनी दाल और सूजी ये चाहिए उतनी आप इसमें मिक्स करें, बिना पानी के, पानी नहीं डालना है, और आटे का एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। और ये इतने अच्छे बनते हैं पराठे, रोटी मक्खन रख के जो भी आप करना चाहें खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो आपका अन्न का कोई भी दाना वेस्ट भी नहीं हुआ, या तो आप किसी को खाने के लिए दे दीजिए, लेकिन बचा है तो प्लीज़ ऐसे फेंकिए मत, है ना। तो इसको मैं मिलाकर आपसे मिलती हूँ। और देखिए ये सारी दाल हमने इसमें खाली कर ली है, सूजी थी ना इसलिए हमारी ये दाल अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो गई, नहीं तो 1 कप आटे में ना इससे आधी दाल लगती है, तो सूजी ने उस दाल को सोख लिया, हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा स्मूथ करके ऑयल लगा के ना ढक के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए आटा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, इसे हम 15-20 मिनट रख चुके हैं। अब हम बनाते हैं इसके पराठे। ये हमने लोई लेके बेलना शुरू कर दिया है और बहुत स्मूथली ये बिल रहा है, तो आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है इतनी सारी चीजें डालने के बाद भी। इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे, अच्छे से हाथ से फैला लेंगे, और जिस भी शेप में आप पराठा बनाना चाहें ना उस तरह से आप बना सकते हैं, और घी भी आपके ऊपर है, बट अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड करें, सूखे आटे में डस्ट करें और फिर से बेलें, है ना बढ़िया। कहीं से भी ना फट रहा है आटा, इतने अच्छे से लगा है, तो आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करके ना बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना सकते हैं। और जब इसमें हम आप कटा धनिया, कटा प्याज या कोई सब्जी डाल देंगे तो वो फ्रेशनेस अपने आप आ जाएगी। तो देखिए मूली की भुजी का पराठा बनकर तैयार है, इसको हम सेकते हैं। तवा हमने ऑलरेडी गरम कर लिया था, उस पर हमने ये पराठा डाल दिया है, गैस को मीडियम फ्लेम पर कर रखा है, जब उधर से सिक जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं। इसी तरह से हमने दूसरा पराठा बेलना शुरू कर दिया है और बहुत स्मूथ आटा है, बहुत ही बढ़िया। तो बिना पानी के हमने ये आटा लगा लिया है, सेम प्रोसीजर से इसमें घी लगाएंगे, फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हम इसको भी बेल लेंगे। आपने ये देख लिया है, ये पराठा हमारा पलटने के लिए तैयार है। ये देखिए इधर से हल्का सा निशान आना शुरू हो गया है, उसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे घी, आप घी चाहें घी लगा दीजिए, ऑयल चाहें ऑयल से बना दीजिए, जैसे आपको बनाना है, कम ज़्यादा भी आपकी मर्जी है। देखिए इधर से भी बहुत अच्छे से सिक गया है पराठा। आप अगर घी नहीं खाते हैं तो रोटी बनाकर उस पर बटर रख सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, बहुत ही कम घी के साथ मैंने इसको बनाया है।
आप ज़्यादा घी लगा के बना सकते हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं आटे में कितनी सारी चीज़ें डली हुई हैं। वैसे बच्चे नहीं खाएंगे, बट इस तरह से आप बड़ों को, बच्चों को सब तरह से दे सकते हैं न्यूट्रिटिव पराठा। तो सीखने के बाद मिलते हैं। और ये देखिए, ये सिक गया है पराठा अच्छे से। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बटर रख के खाइए, दही से खाइए, चटनी से खाइए। ये चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, हरी चटनी की, बहुत फटाफट बनने वाली चटनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।